हेलो एवरीवन, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ कितनी जाएगी? सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे अभी तक पूछा जा रहा है, जबकि अब वो समय आ चुका है जब आपको अपनी रेस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि कल ही आपने देखा होगा, ट्विटर हैंडल माई योगी आदित्यनाथ, यानी जो ऑफिशियल हैंडल है, उस पर साफ साफ आपको एक नोटिस दिखा होगा कि जो अक्टूबर है इसके लास्ट तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आपके अगले ही महीने रेस होने वाली है। और आप ये ध्यान रखना कि इतना आसान नहीं है कि आप सोचो कि मैं तो गांव का हूँ, अरे मैं तो दौड़ता रहता हूँ। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप रेस में फेल हो जाते हो। मेरे आसपास मेरे तमाम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछली बार रिटर्न निकाल लिए थे, बट रेस में किसी भी कारण से पास नहीं हो पाए। मतलब रेस में कहीं ना कहीं कुछ सेकेंड्स रह गए। अब बात ये आती है कि मैम कितनी कट ऑफ इसकी जाएगी, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। अच्छा, आप खुद सोचिए, पिछली बार वैकेंसी 42,000 थी, उससे पिछली मतलब सबसे पहले 42 थी, उसके बाद में 49,000 थी, है ना। अब अगर आप देखोगे तो जब इतनी कम वैकेंसीज, मतलब इससे तो 18,000, 10,000, 15,000 कम हो गई वैकेंसी, तब आपकी जो कट ऑफ थी वो 49,000 की बात की जाए, तब तो केवल 192 फाइनल गई थी और 182 रेस के लिए गई थी। जनरल की बात कर रही हूँ, और 300 में से। और पहले वाली अगर 225 आपको याद भी होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल था। आपको क्या लगता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी लोग बदल गए होंगे? सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए होंगे? सभी को बहुत कुछ आ गया होगा? सबके पेपर में कोई गलती नहीं हुई होगी? हर किसी स्टूडेंट्स के एक से एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट जो बहुत तैयारी करके गया था, वो भी होपलेस होके या कुछ ना कुछ अपने दिमाग में नेगेटिविटी ला के अपना पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स बिगाड़ लेते हैं। अगर आपके जनरल में 90 मार्क्स भी बन रहे हैं ना, तो आप अपनी दौड़ को कंटिन्यू करो। अगर आपके ओबीसी में 75 भी बन रहे हैं ना, एससी में 70 भी बन रहे हैं ना, तो आप अपनी दौड़ को कंटिन्यू करो। क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के 95 बन रहे हो, आपके 90 बन रहे हो, बाद में नॉर्मलाइजेशन में पता चले कि आपके 95 हो जाओ और उसके 95 के 95 रहें, या आपके 96 क्वेश्चन हो जाओ और उसके 95 रहें, वो आपसे